दोस्तों अगर आप 12th क्लास पास कर चुके हैं और एक अच्छी सैलरी वाली परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, तो आज मैं आपके लिए CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आई हुई एक बड़ी जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। दोस्तों यहाँ आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आप एक फ्रेशर हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। दोस्तों इसके लिए कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों एक बात और कि यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से ज़रूर देखें ताकि आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट फ्री लर्निंग। दोस्तों CFTRI की ओर से जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। दोस्तों CFTRI एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका करियर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर से इसके लिए अप्लाई करें। दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल के लिए टोटल 3 वैकेंसी हैं, जिसमें 1 वैकेंसी SC वालों के लिए और 2 वैकेंसी जनरल वालों के लिए है। दोस्तों पेमेंट की बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये के बीच आपका पेमेंट होने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो 30 जुलाई 2021 को आपकी मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होनी चाहिए। बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की, तो यहाँ पर भी टोटल 3 वैकेंसी हैं, जिसमें 1 वैकेंसी SC वालों के लिए और 2 वैकेंसी जनरल वालों के लिए हैं। दोस्तों यहाँ पर भी पेमेंट आपका 19,900 से लेकर 63,200 रुपये होने वाला है और एज लिमिट भी आपकी 28 ईयर्स होने वाली है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर्स एंड परचेजेस के लिए भी टोटल 3 वैकेंसी हैं और यह तीनों वैकेंसी जनरल वालों के लिए हैं और यहाँ पर भी आपकी एज 28 ईयर्स होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी थोड़ी कम है, लेकिन मैं फिर भी आपको सलाह दूंगा कि आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पहली बात तो यहाँ पर SC, ST, OBC और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, वहीं जनरल वालों के लिए केवल 100 रुपये फीस रखी गई है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूंगा, यहाँ पर वैकेंसी कम है और जहाँ वैकेंसी कम होती है वहाँ लोग भी कम अप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करें। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। साथ ही आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आपको यहाँ पर एक टेस्ट देना होगा जो कि ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी भी मोड में हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। दोस्तों यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों ये टेस्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड होगा। पार्ट 1 जो होगा उसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के लिए और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं आने वाली है। बात करें दोस्तों पार्ट 2 की, तो यहाँ पर आपको टोटल 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के लिए और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। इंग्लिश लैंग्वेज में भी 50 क्वेश्चंस आएंगे 150 मार्क्स के लिए और यहाँ पर भी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसके लिए 1 जुलाई 2021 से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 जुलाई 2021। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको लेना होगा उसका प्रिंटआउट, और प्रिंटआउट के साथ आपको अपने सर्टिफिकेट्स और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके इस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट कर देनी होगी। और ये स्पीड पोस्ट आपको इस तरह करनी है कि 23 अगस्त 2021 से पहले ये उनके पास पहुंच जाने चाहिए। दोस्तों ये हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ स्पीड पोस्ट करने हैं। इनकी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा, तो इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सवालों को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ लाने का। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं एक नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।